हेलो सीकर्स, नमस्ते। पुनीत एस्ट्रोलॉजी का अगले वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सूर्य का गोचर कर्क राशि में हो गया है और सूर्य जब कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो वो अपने समक्ष पाते हैं शनिदेव को। शनिदेव सूर्य से सप्तम हैं और सूर्य पे पूर्ण दृष्टि डालते हैं। सूर्य जब कर्क राशि में प्रवेश करते हैं तो मंगल अश्लेषा नक्षत्र के गंडांत पद पर वहाँ पर उपस्थित हैं। आइए संक्षिप्त में जानते हैं सूर्य का गोचर कैसा रहेगा और इसे समझने की कोशिश करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, और ज्योतिष की बात को आगे बढ़ाते हैं, इस परिवार को हम बड़ा बनाते हैं। सूर्य आत्मा के प्रतीक हैं, आत्मा के ग्रह हैं, और वो जब कर्क राशि में जाते हैं जो कि मन की राशि है। कर्क राशि चंद्र प्रधान राशि है, चंद्र से स्वामित्व राशि है। वहाँ पे सूर्य का गोचर हमारे आत्मा का एक कहते हैं ना, नदी में डुबकी लगाने के बराबर, वो एक इंडिकेशन आता है यहाँ पे। अपनी राशि सिंह राशि में जाने से पहले उन्हें कर्क राशि में प्रवेश करना पड़ता है। कर्क राशि में प्रवेश करने से उनके विचारों में बदलाव आता है, व्यक्ति के विचारों में बदलाव आता है। उन्हें पहले मोह मुक्त होना पड़ता है, उन्हें एक जिसको कहते हैं मातृत्व भाव अपने अंदर लाना पड़ता है, जिसमें वो सबको, सूर्य चूंकि राजा हैं तो वो सबको समान दृष्टि से देख सकें। यही भावना कर्क राशि में सूर्य के गोचर से हमें मिलती है। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि सूर्य शनिदेव से दृष्ट हैं और जब सूर्य का प्रवेश कर्क में होता है तो मंगल की उपस्थिति शुरुआती के कुछ दिनों में परेशानी पैदा कर सकती है। व्यक्ति के ईगो को ठेस पहुंच सकती है, अहंकार को ठेस पहुंच सकती है। थोड़ा इमोशंस में आकर के व्यक्ति कुछ बोल सकता है, कुछ अस्वाभाविक कार्य कर सकता है, तो उन चीज़ों का ध्यान रखना अति आवश्यक हो जाता है। इसके बाद मंगल शुक्र के साथ सूर्य से द्वितीय सिंह राशि में गोचर करेंगे। अब सिंह राशि में मंगल और शुक्र होने के कारण व्यक्ति के रिश्तों में कुछ खटास डेवलप हो सकती है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो द्वितीय भाव है, सूर्य का गेन हाउस है। तो वहां से मंगल की उपस्थिति हालांकि सूर्य को बहुत बल देती है, लेकिन शुक्र और मंगल का ये गोचर एक साथ अगर हो द्वितीय भाव में तो कामुकता बढ़ा सकता है। सूर्य भी अपनी राशि से द्वादश हो जाते हैं, जिसकी वजह से इमोशनल आउटबर्स्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है। इमोशंस में काबू रखना, इमोशंस को नियंत्रित रखना अति आवश्यक है इस गोचर, सूर्य के गोचर में। शनि भी सप्तम है सूर्य से, तो डेफिनेटली क्रिटिसिज्म आएगा, लोग आपको बोलेंगे, आपके कार्य को अच्छा या बुरा दोनों तरीके से बोलने की कोशिश करेंगे, इंडिकेट करेंगे आपके मिस्टेक्स को, पुरानी मिस्टेक्स को याद दिलाएंगे, पुरानी चीज़ें बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शनि जो है वो वक्री चल रहे हैं सप्तम भाव में, अपने ही राशि में स्वराशि में वक्री हैं। तो यहाँ पे पुराने इमोशंस को इग्नोर करने की कोशिश करें, कोई पुरानी ऐसी बात जो आपको कष्ट देती हो, आपको तकलीफ देती हो, उसे निकालें नहीं, क्योंकि उसे अगर आप निकालेंगे तो वहाँ पे आपको कष्ट का सामना करना पड़ेगा, एक सेटबैक लग सकता है, इमोशनल सेटबैक लग सकता है। यहाँ पे कुछ दिक्कतें आएंगी जिसकी वजह से इंसान भावनाओं में बह करके कुछ ऐसे निर्णय ले लेता है जो कल को उसे कष्ट पहुंचा सकते हैं, उसके जीवन में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, सूर्य को नियमित रूप से जल चढ़ाना, कॉपर की वस्तु से पानी पीना और उन्हें दान करना, ये एक लाभ दे सकता है आपको, ये एक छोटा सा उपाय हो सकता है। यहाँ पे सूर्योदय से पहले उठें, पानी की मात्रा बढ़ा दें, अग्नि तत्व ग्रह हैं, जल तत्व राशि में जा रहे हैं तो डेफिनेटली काफी भाप उत्पन्न होगी यहाँ पे, तो वहां पे पानी की मात्रा बढ़ाएं, पानी का दान भी करें और भोजन का दान भी करें, उससे भी आपको अति लाभ होगा, क्योंकि कर्क राशि नेचुरली फोर्थ हाउस है। यहाँ पे एक और चीज देखी जाती है कि संतान पक्ष से थोड़ा कष्ट आ सकता है, संतान की करियर को लेकर के, संतान की पढ़ाई को लेकर के आपके अंदर चिंता उत्पन्न हो सकती है। कर्क राशि में अगर आपके कुछ स्वाभाविक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं या आपका कर्क लग्न या कर्क राशि ही आपकी जन्म राशि है तो आपके ऊपर सर्वाधिक इस गोचर का प्रभाव होने वाला है। ये गोचर जब भी सूर्य का कर्क राशि में होता है, आप देखो मौसम में भी बहुत बदलाव आते हैं, बारिश का मौसम हो जाता है, तो यानी कि जो पानी है वो पिघल करके गिरने लगता है,
तो यहाँ पे अश्रु को रोकना पड़ेगा, अपने इमोशंस को रोकना पड़ेगा। उसके लिए आप रुद्राक्ष को स्थापित कर सकते हैं घर के मंदिर में और रुद्राक्ष की पूजा भी कर सकते हैं। भगवान शिव की पूजा करने से भी यहाँ पे सूर्यदेव आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। और सूर्य से जुड़ना मतलब आत्मा से जुड़ना, तो अपने पावर और अपनी स्ट्रेंथ को समझने का टाइम यही है। यहाँ पे अगर आप एक और चीज देखो तो सूर्य की उपस्थिति कर्क राशि में केतु से कनेक्टेड हो जाती है। कैसे? केतु की बात करें तो केतु पंचम भाव में बैठे। आप सूर्य की पोजीशन देखिए, सूर्य काल पुरुष में पंचम भाव के स्वामी हैं, यानी पंचम भाव की जो प्रॉपर्टी है वो सूर्य के अंदर आती है। हालांकि फर्स्ट हाउस के वो कारकत्व बनते हैं, तो पंचम भाव के स्वामित्व रखने के कारण फिफ्थ हाउस से कनेक्शन बनता है और वहां पे केतु होने के कारण ये जो सूर्य हैं ये त्याग वाले सूर्य हैं। यहाँ पे इंसान अपने अस्तित्व का त्याग करके एक नया जीवन जीता है, ये जीवन दायिनी ऊर्जा है, यहाँ पे आपको जीवन दान मिल सकता है। तो सूर्य के इस जीवन दान को प्राप्त करने की कोशिश करें। गंगा में स्नान करना, नदी में स्नान करना और पाप को धो करके पुण्य की तरफ आगे बढ़ना, बुरे कर्मों को छोड़ करके, व्यसन को त्याग करके अच्छे कर्म की तरफ बढ़ना, ये इस गोचर का थीम रहेगा अगले एक महीने के लिए। तो जो लोग हैं, जो आपके हितैषी हैं, उनके इमोशन से कनेक्ट करने की कोशिश करें, उनके जो भावनाएं हैं आपके प्रति उसे सम्मान दें, और उसे सम्मान देते हुए बिना अनादर किए अगर आपको वो कुछ बोल रहे हैं कि कुछ छोड़ना है तो छोड़ दें, क्योंकि कोई चीज़ अगर छोड़ने लायक है तो उसे छोड़ देने में ही भलाई होती है। ओवरऑल देखा जाए तो पैसों के तरफ से अगर देखें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो चौथा भाव है कर्क राशि काल पुरुष का, घर है, परिवार है, सुख है, वहाँ पे रिफॉर्म्स आने की बात करते हैं तो घर में बदलाव, गाड़ी में बदलाव, कलर का चेंज करना, गाड़ी बदलना, ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपके मन में आने लगेंगी, वो आपकी इच्छाएं प्रकट होने लगेंगी कि आपको वो करना है। कुछ भी करें बहुत सोच समझ के करें। यहाँ पे कंपैरिजन बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है कि आप अपने आप को नापने की कोशिश करो, तौलने की कोशिश करो, आपका जो पैरामीटर है तौलने का उसमें आप अपनी सक्सेस को, अपनी सफलताओं को दूसरों की सफलताओं से कंपेयर करोगे तो आपको निश्चित निराशा प्राप्त होगी। अगर आपको निराशाजनक जीवन नहीं जीना तो कंपैरिजन बंद कर दीजिए, क्योंकि कंपैरिजन सबसे ज़्यादा नुकसानदायक होता है, क्योंकि वो आपके अंदर एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप कर देता है। एक ऐसी निम्न कोटि की भावना उत्पन्न होती है जो आपको सिर्फ नीचे डिप्रेशन की तरफ ले जाती है, आपकी ऊर्जा को अधोगामी बनाती, ऊर्ध्वगामी नहीं बनाती। सूर्य जब कर्क राशि में होते हैं तो वो जल तत्व में है, वो मातृत्व भाव में है, तो यहाँ पे पिता और माता का जो रोल है वो मिक्स हो जाता है, यानी यहाँ पे भेदभाव खत्म होता है। सूर्य राजा होने का भेद समाप्त कर देते हैं, तभी उन्हें उपाधि मिलती है राज्य की, तभी उन्हें राज्य का भार मिलता है, अगर वो प्रजा को एक समान दृष्टि से देखें। तो आपको भी अपने जीवन की हर हालात, हर चीज़ों को समान दृष्टि से देखना होगा, तब आप इस सूर्य के गोचर का सही लाभ उठा पाएंगे। यहाँ पे अगर हेल्थ की बात करें तो हेल्थ संबंधी चीज़ों में थोड़ा, चूँकि कफ तत्व है, सूर्य अग्नि है, तो कफ और अग्नि, वात और वात पित्त कफ में इम्बैलेंस आ सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है अगर आपकी जो कर्क राशि है वो रोग से कनेक्टेड है आपकी अपनी निजी कुंडली में। तो पर ओवरऑल ये सूर्य का गोचर काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा, बस अपने इमोशंस को अगर आप काबू रखते हैं, भावनाओं पर के नियंत्रण रखते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लाभकारी है। डरने की कोई बात नहीं है, टेंशन की भी कोई बात नहीं है, अगर आप सही उचित मार्ग से सही कर्म करते हुए आगे बढ़ते हैं तो मैं तो कहूँगा कि ये पूरा थम्स अप ट्रांजिट है। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ लाभ मिलेगा इस वीडियो को देख करके। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में अवश्य दें, और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको मिलेगी मेरे वीडियो की नोटिफिकेशंस। मुझसे और अधिक प्लेटफॉर्म्स में जुड़ने के लिए, टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम में जुड़ने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं, वहाँ से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मुझसे कंसल्टेशन लेने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी भी नीचे दिया हुआ है। मिलता हूँ मैं आपसे ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ में, तब तक के लिए मैं आपका हूँ पुनीत, नमस्ते।